तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि YouTube का जो करंट टाइम का गाइडलाइंस है, इसे आप अगर अब 2-3 साल पहले की गाइडलाइन से कंपेयर करोगे तो उससे ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, काफी ज्यादा उससे ये टफ हो गया YouTube क्रिएटर के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका चैनल डायरेक्ट ही YouTube प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया जाता है अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे। तब अब आपको भाई ऐसे कैसे हमारा चैनल को डिलीट कर देगा, पहले एक स्ट्राइक मिलता है, फिर 2 स्ट्राइक मिलता है, फिर 3 स्ट्राइक मिलता है, फिर चैनल डिलीट होता है। तो भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मेरे साथ ये घटना 2 बार हो चुका है, मेरा 2 चैनल डिलीट हो चुका है। और इस जो चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा तीसरा चैनल है। तो इस वीडियो में आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारे चीज का ऑब्जर्वेशन देने वाला हूं कि किस किस कारण से YouTube डायरेक्ट ही आपको चैनल को डिलीट कर देता है। ठीक है, अगर आप भी ऐसा सोच रहे होगा कि पहले में 1 स्ट्राइक मिलेगा, फिर 2 स्ट्राइक मिलेगा और उससे हम बिल्कुल संभल जाएंगे और मेरा चैनल डिलीट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आपका जो चैनल है वो बिना कोई स्ट्राइक के भी डायरेक्ट यूट्यूब रिमूव कर सकता है प्लेटफॉर्म से, बिना कोई आपको इन्फॉर्मेशन दिए आपका चैनल परमानेंट डिलीट कर देगा। और फिर आप नाक रगड़ते रह जाओगे लेकिन आपका चैनल वापस आने वाला नहीं है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है, और इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल भी ध्यान से देखना, जिससे कि आने वाले टाइम में आपके चैनल पे कोई इफेक्ट ना पड़े और यूट्यूब आपके चैनल को सस्पेंड ना करे, रिमूव ना करे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस राज और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल प्रीटेक्स सपोर्ट पे। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि YouTube पे चैनल डायरेक्ट ही डिलीट कैसे हो जाता है, मतलब एकाएक YouTube प्लेटफॉर्म से रिमूव कैसे हो जाता है, और इससे बचने के लिए, इससे सेफ रहने के लिए आपको कौन कौन से काम करने हैं। दोस्तों, जो 2 चैनल मेरा डिलीट हुआ है ना, उसे डिलीट होने का एक ही कारण हमने ऑब्जर्व किया है, और वो कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई वीडियो को YouTube प्लेटफॉर्म पे अपडेट कर रहे हो, ठीक है, और अपडेट करने के बाद आपके मन में डाउट है कि अरे यार इस वीडियो पे कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, और इसका डिसीजन आप कब ले लेते हो, इसका डिसीजन आप तब ले लेते हो जैसे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो YTS स्टूडियो जो है ना, उससे एक नोटिफिकेशन आता है कि नो कॉपीराइट इशू विथ दिस वीडियो, मतलब इस वीडियो के साथ कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, इसे आप वहां पे क्या कर सकते हो कि इसे आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब पब्लिक कर सकते हो। जैसे कि अनलिस्ट क्या वीडियो को पोस्ट करते होगे अपनी, ठीक है, तो आता है कि नो कॉपीराइट इशू विथ दिस वीडियो, मतलब इस वीडियो के साथ कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, और वैसा ही आप वीडियो लगातार पोस्ट करते रहते हो लेकिन आपके मन में एक सस्पेंस रहता है, आपको पता रहता है कि कहीं ना कहीं ये कंटेंट हमारा गलत है, ठीक है, इस पर कॉपीराइट आ सकता है, लेकिन आप क्या देखते हो, आप देखते हो उसका नोटिफिकेशन कि नो कॉपीराइट इशू, मतलब कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, तो आप सोचते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो कि अरे चलो यूट्यूब ने हमें बता दिया किसके साथ कॉपीराइट नहीं इशू है, इसे हम पोस्ट कर देते हैं, और लगातार आप वीडियो पोस्ट करते रहते हो। लेकिन यूट्यूब पे एक सिस्टम है, उसे बोलते हैं यूट्यूब ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि जब आप वीडियो पोस्ट करते हो तो वो चेक कौन करता है, वो उसका जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो उसके थ्रू चेक होता है, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि वो उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाया हो, ठीक है, कि कॉपीराइट इशू एक्चुअल में है या नहीं है, तो वो उस बेसिस पे तब जज कर लेता है, कब, जब आप वीडियो पोस्ट करते हो। लेकिन जब इसका आप ह्यूमन रिव्यू होता है ऑटोमेटेड सिस्टम में, ये जब पकड़ा जाता है आपका कोई वीडियो, तो उसका फिर ह्यूमन रिव्यू किया जाता है, फिर उसका कोई क्या करता है, कोई आदमी उसको जाँच करता है, मतलब कोई आदमी उसको रिव्यू करता है, और वो देखता है कि अरे यार ये तो लगातार जो है यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस को ये बंदा फॉलो नहीं कर रहा, और 2-3-4 वीडियो में फॉलो नहीं किया, मतलब 3 से ज्यादा वीडियो में आपने फॉलो नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका चैनल यूट्यूब से हटा दिया जाता है, यूट्यूब से रिमूव कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी जो गलती है ना, वो यही है। आप और भी वीडियो जा करके देख लेना, वहां से आपको ये बता दिया जाएगा कि यूट्यूब पे चैनल डिलीट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है, जिसके वजह से यूट्यूब पे बहुत सारी, आपने वैसे लोग का दुख दर्द सुना होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होगा, या नहीं भी होगा तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका, जो हमसे पर्सनल कॉन्टेक्ट भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे DM करते हैं, या मेरा एक वीडियो था YouTube चैनल डिलीट प्रॉब्लम, तो उसमें आप जाके कमेंट पढ़ सकते हो कि कितने लोगों ने हमसे सवाल पूछा कि भाई मेरा चैनल डिलीट हो गया, मेरा चैनल डिलीट हो गया। तो जो सबसे बड़ा कारण है ना दोस्त, वो सबसे बड़ा कारण यही है, और भी मैं आपको 2-3 कारण बताता हूँ जिसके वजह से चैनल डिलीट होता है। लेकिन चैनल डिलीट तभी होता है जब आपके तरफ से कोई ना कोई गलती किया गया हो, कोई ना कोई नियम का उल्लंघन किया गया हो, मतलब आप कोई रूल को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। लेकिन यूट्यूब इस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे दोस्त, अगर आप पहले से यूट्यूबर हो, 2-3 साल आप पहले इस पे मेहनत कर रहे होगे, तो आपको लगता होगा कि यार यूट्यूब पे चलो हम वीडियो बनाते रहे, कुछ भी यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन जब होगा तो देख लेंगे, तो अगर आप उस तरह की गलती भी करोगे तो अभी आप छोड़े नहीं जाओगे, क्योंकि यूट्यूब छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो दूसरा लोग गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वीडियो को, मान लो किसी वीडियो को हमने पोस्ट किया,
अब फिर हमें लगा कि यार यार थोड़ा सा इसमें कुछ रहेगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो हमने उसको डिलीट कर दिया। अब फिर पोस्ट किया, फिर डिलीट कर दिया। तो अगर आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी आप लगातार करते रह जाए, वीडियो पोस्ट करना, डिलीट करना, बार बार एक ही वीडियो को पोस्ट करना, डिलीट करना, तो इस तरह की एक्टिविटी भी करने से क्या होता है कि यूट्यूब पे आपका चैनल डिलीट हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा पढ़ा नहीं गया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये अनवांटेड एक्टिविटी में आता है। ठीक है, ये अनवांटेड एक्टिविटी आपको नहीं करना है, बच के रहना। बार बार वीडियो को पोस्ट और डिलीट हमें क्यों करना, आप एक बार थोड़ा टाइम ले लो। ठीक है, एक दिन की जगह आप 2 दिन टाइम ले लो, लेकिन एक अच्छा वीडियो बनाओ और उसे पोस्ट करो, और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि ये जो हमने वीडियो बनाया है वो अच्छा वीडियो बनाया है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने सेटिस्फाई हो जाओ कि ये जो हमने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद एक बार आप उसे जांच कर लो कि हाँ यार कोई दिक्कत है या नहीं है। लोग ये भी क्या गलती करते हैं कि वीडियो बना लेते हैं, डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं, फिर जब वीडियो को चला के देखते हैं यूट्यूब में तो अरे यार ये हमने क्लिप काटा नहीं है, उसके साथ कुछ मिस एडिटिंग रहता, तो फिर उसे एडिट करने के लिए क्या करते हैं, वीडियो को डिलीट करते हैं, फिर से एडिट करते हैं सेम वीडियो, फिर वहां पर डालते हैं। तो यूट्यूब पागल दोस्त नहीं है, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो जैसे ही आप किसी वीडियो को दोबारा पोस्ट करो तुरंत समझ जाता है कि ये वीडियो पहले भी आ चुका है और डिलीट करने के बाद फिर से अपलोड किया गया, तो ये अनवांटेड एक्टिविटी में आता है। तो कुछ इस तरह की गलती आपको नहीं करना। और तीसरा चीज ये था कि आपको YouTube का जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी ऐसा वैसा वीडियो बना करके YouTube पे ना डालें। आप हो सकता है कि आप जो भी वीडियो बनाओ तो आप क्या कर सकते हो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस आपको समझ में नहीं आता कि कम्युनिटी गाइडलाइंस हमारा मैच करता है नहीं करता है या सही है नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि सेम वीडियो को जाकर YouTube पे सर्च करो। ठीक है, अगर सेम वीडियो कोई ना कोई बनाया होगा, आप देखो कि सेम आपकी तरह के कोई वीडियो बनाया है नहीं बनाया। अगर बनाया है तो आप देख लो कि बनाया है तो कितने दिन पहले वीडियो बनाया है, जैसे 2-3 महीना पहले वीडियो बनाया है और अभी तक इसका चैनल डिलीट वेट नहीं हुआ, या 6 महीना हो गया डिलीट नहीं हुआ, तो चलो कोई इशू नहीं, फिर आप उसे पोस्ट कर सकते हो। ये कब करना है आपको, जब आपको कम्युनिटी गाइडलाइन समझ में नहीं आया तब, कि हमने जो वीडियो बनाया वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आप देखो कि आपने जो वीडियो बनाया हो यूट्यूब पे किसी का उस टॉपिक पे वीडियो है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि हो सकता है कि आपका वीडियो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, किसी से मैच ना करता हो, तो इस कंडीशन में आपको किसी की हेल्प लेनी है। ठीक है, और आप जब कंफ्यूज हो तो किसी से आपको पूछ लेना है कि भाई हमने ये वीडियो बनाया है, इस पर कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा। और इसको पूछने के लिए आप चैट जीपीटी वगैरह का भी आसानी से यूज कर सकते हो, या आपके कॉन्टैक्ट में कोई यूट्यूबर है तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये 2-3 चीज जो हमने बताया, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपका चैनल जो है वो बिल्कुल सेफ जोन में रहेगा। और बाय द वे, कभी आपका यूट्यूब गलती से चैनल रिमूव कर भी दिया तो उसे वापस आने का 99% चांस रहता है, अगर आप इन सब चीज़ों को लेकिन फॉलो करो तब। लेकिन अगर आप फॉलो ही नहीं करोगे, गलती करोगे, तो फिर आपका चैनल डिलीट हो गया तो फिर आएगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।